गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आई एम रविकांत तिवारी। आई एम टीचिंग लेसन फर्स्ट अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डॉगलस हु वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए। ही वाज a famous educator and author. He loved India very much. He was very fond of Indian culture. He wished to visit India in 1950. The author was going from New Delhi to Bareilly in a train. His train stopped at every station. At every station, he wanted to meet many Indian people and want to talk with them. He wants to know about the India, Indian culture and people. फर्स्ट स्टेंजा देखिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 foot रिज अपोजिट 120 mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. In this stanza, the author wants to tell us that he went Delhi from the Himalayas. I had left New Delhi for the Himalayas. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल चुका था। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. I was going as far as Bareilly by train. मुझे रेलगाड़ी के द्वारा बरेली तक जाना था and then by car to Ranikhet. और तब रानी खेत तक कार के द्वारा। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन एक पुराना अंग्रेजी सेना का पहाड़ी स्टेशन लोकेटेड मतलब स्थित था ऑन ए 6,000 foot रिज। रिज मतलब होता है माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखलाएं। तो लोकेटेड ऑन ए 6,000 foot रिज जो कि 6,000 foot की 6,000 foot की ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित था अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट ए 120 mile स्ट्रेच मतलब फैला हुआ आप स्नो मतलब बर्फ कैब मतलब ढका हुआ हिमालय मतलब हिमालय पर्वत अपोजिट 120 mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालय जो कि उसके विपरीत दिशा में 120 mile फैले हुए बर्फ से ढके हुए अपोजिट 120 mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालय जो कि 120 mile फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय की ओर था। द ट्रेन वॉज स्लो रेलगाड़ी धीरे चल रही थी एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशंस और यह रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक रुकने वाले स्थान पर आई स्वंग ओपन द डोर। स्वंग ओपन द डोर मतलब दरवाजे को तेजी से खोल देना टू ओपन द डोर फास्टली दरवाजे को तेजी से खोल देना आप माई कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा। तो एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट प्रत्येक
स्टाप पर प्रत्येक रुकने वाले स्थान पर अर्थात प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे को खोल देता था एंड वॉक्ड द प्लेटफार्म ऑफ प्लेटफार्म पर घूमता था। इन दीज लाइन्स द ऑथर टेल्स दैट ही वॉज गोइंग हिमालयाज या ही वॉज गोइंग न्यू दिल्ली टू हिमालयाज ही वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड आफ्टर दैट रानीखेत बाई कार। रानीखेत इज एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन विच वॉज लोकेटेड ऑन या विच वॉज सिचुएटेड ऑन 6,000 फुट माउंटेन रेंज। द ऑथर वॉज गोइंग बाई ए ट्रेन दैट ट्रेन वॉज मूविंग स्लोली एंड इट स्टॉप एट एवरी स्टेशन। फिर द ट्रेन स्टॉप एनी स्टेशन द ऑथर ओपन हिज कंपार्टमेंट एंड वॉक्ड एट द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल सिख मुस्लिम्स हिंदूज सोल्जर्स मर्चेंट्स प्रीट्स पोर्टर्स बेगर्स हॉकर्स। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद पीपल प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। किस प्रकार के लोग थे किन तरह के लोग थे सिखों मुस्लिम्स मुस्लिम लोगों से हिंदूज हिंदुओं से सोल्जर सैनिकों से मर्चेंट्स व्यापारियों से प्रिस्ट पुजारियों से पोर्टर्स कुलियों से बेकर भिखारियों से हॉकर मतलब वेंडर और सामान बेचने वालों से। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट मतलब नंगे पैर एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स और वे सफ़ेद रंग के ढीले पोशाक पहने हुए थे कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट मतलब कम से कम थ्री पीपल मैं कम से कम तीन लोगों से बातें करता था बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश तब मैं किसी एक व्यक्ति को पाता था जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स हम उनसे सांसारिक घटनाओं के विषय में एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड और उस दिन के या उस दिन प्रकाशित होने वाले छोटे से छोटे समाचार के बिंदुओं पर बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन मतलब होता है राष्ट्र की नब्ज को टटोलना। चेकिंग ओपिनियन मतलब विचार अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। तो इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन इस तरह से मैं राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड और ऑफिस के क्रियाकलापों और उसकी जांच के विचारों को जानना चाहता था। तो देखिए द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विद रेफरेंस पीपल इसमें पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है। एक्सप्लेन में सबसे पहले लिखा जाता है रेफरेंस फिर कंटेक्स्ट उसके बाद एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में क्या हो जाता है कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन या दीज लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड प्रोक्योर्ड फ्रॉम द लेसन फर्स्ट ए गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डॉगलस। कंटेक्स्ट में इस पैराग्राफ में इस स्टेंजा में क्या बताया गया है वह आपका कंटेक्स्ट होता है। तो इन दिस स्टेंजा द ऑथर टेल्स दैट व्हेन ही वाज वांडरिंग एट द प्लेटफॉर्म्स ही सा एवरी प्लेटफॉर्म्स वेयर फुल ऑफ पीपल एज हिंदू मुस्लिम सिख सोल्जर्स प्रिस्ट पोर्टर्स हॉकर्स एंड सो ऑन।
एवरी पर्सन वर बेयरफुट एंड दे ड्रेस्ड ए वाइट लूज गारमेंट, प्रत्येक लोग नंगे पैर थे और वे सफेद रंग का ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। द ऑथर टॉक एट लीस्ट थ्री पीपल, लेखक जो है कम से कम तीन लोगों से बातें करता था। देन ही फाइंड ओनली वन पर्सन हु कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, लेखक कम से कम तीन लोगों से बातें करता था तब वह यह प्राप्त करता था या तब उसे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता था जो फराटेदार अंग्रेजी बोल सकता था। तो इन दिस वे द ऑथर वांट्स टू फाइंड आउट द ओपिनियन ऑफ द इंडियन पीपुल, लेखक जो है इस तरह से भारतीय लोगों के विचारों को जानना चाहता था। एंड ही ऑल्सो वांट टू एटीट्यूड ऑफ द इंडियन पीपुल फॉर इंडियन कल्चर एंड देयर कंट्री, लेखक यह भी जानना चाहता था कि भारत के लोगों का अपने देश और अपनी संस्कृति के विषय में क्या विचार है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज, रूट मतलब रास्ता, वे The route lay through one of the richest of India's agriculture areas. यह रास्ता भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से होकर गुजरता था। This was the plain of the upper Ganga River. यह गंगा नदी के ऊपरी समतल मैदान का इलाका था। 1000 feet above sea level, समुद्र से 1000 feet की ऊंचाई पर, but tropical, tropical means बहुत गर्म, very hot and humid, लेकिन यह बहुत गर्म क्षेत्र था। The Ganga was brown silt, silt मतलब fine sand, बालू। The Ganga was brown silt, गंगा भूरे मटमैले रंग की थी। स्वेले, स्वेले मतलब फूला हुआ उफान, या स्पैंडेड बाई आर एजी बाय इंटरनल प्रेशर विथ फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग, इन अनडेटिंग मतलब जलमग्न सब मर्स, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वेलन फ्लड वाटर्स, गंगा भूरे मटमैले रंग की थी, स्वेलन फ्लड वाटर्स जो कि बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसके जल ने हजारों एकड़ धान की फसल को जलमग्न कर दिया था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मतलब विस्तार फैलाव, एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एंड अकेजनल, अकेजनल मीन्स अपीयरिंग इररेगुलरली यदा कदा, क्लंप मतलब झुरमुट वृक्षों का समूह ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स एलिफेंट पाइथन्स, पाइथन्स मतलब अजगर एंड कोबरा, एवरीवेयर इज दियर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन बट डॉटेड हियर एंड दियर बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, सेक्रेट मतलब पवित्र, बनियान मतलब बरगद, आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, पाकर ट्रीज एक बरगद के तरह का पेड़ होता है, सेव्ड लाइक ए एल्म, एल्म मतलब एक प्रकार का पेड़ है जिसे चिराबेल बोला जाता है, जिसकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। टू द नॉर्थ वे जंगल, इसके उत्तर में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास है, इसके उत्तर में जंगल थे जिनकी घासें आदमी के सिर से अधिक ऊंचाई तक फैली हुई थी, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लंप, और एंड अनब्रोकन और कभी
न समाप्त होने वाले इधर उधर पेड़ों के वृक्षों का समूह भी था। द होम ऑफ टाइगर्स जो चीतों, हाथियों, अजगरों, सांपों के घर थे। एवरीवेयर इज दिया वाच फ्लैट एंड रनिंग टू द होराइजन, जो एवरीवेयर इज दिया वाच फ्लैट एंड फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन बट डॉटेड हियर एंड दिया बाय सेक्रेट बनियान की। तो एवरीवेयर इज दिया वाच फ्लैट एंड रनिंग टू द होराइजन, प्रत्येक जगह इल्स दिया वाज फ्लैट लैंड, प्रत्येक जगह समतल जमीन थी। रनिंग टू द होराइजन जो कि क्षितिज तक पहुंचती थी, बट डॉटेड हियर एंड दिया बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, लेकिन इधर उधर पवित्र बरगद के पेड़ आर बाय रोज या पाकर ट्रीज अथवा पाकर के पेड़ों की कतारें शेप्ड लाइक एल्म्स और चिराग बेल के वृक्षों के आकार की थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनकी ऐठी हुई मोटी शाखाएं थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम से नम हवा बह रही थी। मंकी सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग मतलब ग्रेस्पिंग स्टिकिंग चिपके हुए टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ मतलब नीचे की ओर स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। तो मंकीज सम ऑफ देम मदर्स, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम मदर्स उनमें से उनकी माताएं अर्थात कुछ बंदरियां विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम अपने साथ बच्चों को चिपकाए हुए एंड राइडिंग अंडरनीथ स्वंग ऑफ ट्रीज और पेड़ों से नीचे की ओर भोजन की तलाश में स्टेशनों पर कूदती थी आती थी। द विलेज वी पास्ड हैड वाज मेड ऑफ मड मिस्ट विथ वाटर एंड काउ डंग, द विलेज वी पास्ड जिस गांव से हम गुजरे हैड वाज मेड ऑफ मड मिस्ट विथ वाटर एंड काउ डंग, उनकी दीवारें गोबर और पानी से बनी हुई थी। देयर पिग्ड रूफ्स वर थैच्ड, उनकी छतें चोटी नुमा पिग्ड लाइक ए पिग नुकीला आया आप बोल सकते हैं चोटी नुमा थैज मतलब छप्पर छाया हुआ कवर्ड विथ स्ट्रा आर ए सिमिलर मटेरियल जो घास फूस से झोपड़ी छा जाती है। तो देयर पिग्ड रूफ्स वेयर थैज उनकी चोटी नुमा छतें छाई हुई थी। किससे बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू ए बंबू पोस्ट, बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बंबू पोस्ट तो बांस की लकड़ियों पर घासों के बंडल बंधे हुए थे। स्ट्रेट अक्रॉस दी राफ्टर्स और छप्पर फैले हुए थे। दैट डे पंपकिन वाइंस मतलब लताएं दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम, तो उन दिनों कद्दू की लताएं या कद्दू की लताएं इन छप्परों पर खिले हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रेक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉश और उन दीवारों पर इन कद्दू के फूलों की एक लंबी पतली लाइन बने हुए थे। देखिए इन दिस स्टेंजा द आथर टेल्स दैट ही वाज पासिंग थ्रू द रिचेस्ट एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ इंडिया। इस स्टेंजा में लेखक बताता है कि वह भारत के सबसे उपजाऊ मैदान से होकर गुजर रहा था। द प्लेन ऑफ द अपर दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का सबसे समतल मैदान था। एंड द गंगा वाज ओवरफ्लोइंग विथ वाटर, गंगा जो थी वह उफान पे थी। एंड द वाटर ऑफ द गंगा
इनंडेटिंग दी थाउजेंड्स एकर्स ऑफ राइस, और जो गंगा नदी का बाढ़ वाला पानी था हजारों एकड़ धान के खेत को समाप्त कर दिया था, गंगा समाप्त कर दिया था। दिया था वाज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, दिया वाज ग्रेट ट्रीज ऑफ बनियान, फिच वर दी होम्स ऑफ एलिफेंट्स टाइगर्स पाइथन्स कोबराज इटीसी, दिया वर सेक्टर बनियान ट्री पाकर ट्रीज एंड एम्स ट्रीज, देयर ट्रंक्स वर वेरी हैवी। The author saw some monkeys clinging their babies. They were jumping to the station in search of food. लेखक ने कुछ बंदरों को देखा जो अपने बच्चों को चिपकाए हुए भोजन की तलाश में पेड़ पर से नीचे स्टेशन पर कूदते थे। He saw The walls of Indian people's house वह भारतीय लोगों के घरों की दीवारों को देखा। Which was made of water and cow dung, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बने हुए थे। There was no roof on their homes, उनके घरों पर छत नहीं थे। There were thatched which were picked with grass स्ट्रा एंड बम्बू पोल्स, दियर पंपकिन स्वाइन ऑन देयर थेस्ड ईटीसी। तो आज आप लोगों को इतना पढ़ाया गया, बाकी कल पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग घर में पढ़िए, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन वगैरह कराया जाएगा। थैंक यू।